आपने कह दिया 100 बार सांस लेनी है तो 100 बार ही लूंगा, 101 बार नहीं। अगर आप किसी एथलीट के अगेंस्ट जा रहे हो, आपको पता है कि आपका मिड सेक्शन उससे स्ट्रांग है एंड वो लेफ्ट से खड़ा ऐसे पोज कर रहा है, अगर आप भी ऐसे कर रहे हो लेफ्ट से, दे कांट कंपेयर डायरेक्टली, यू शुड स्विच एंड गो राइट एंड गो टो टू टो विद हिम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, मेरा नाम है विरल और आज हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं इंटरव्यू हमारे एक बहुत ही स्पेशल एथलीट का जिनका नाम है लवप्रीत सिंह। और भाई अभी अभी बहुत बड़ा एक कारनामा करके आए हैं इनके साथ में बैठे हैं इनके कोच हैरी संधू। तो इन दोनों का आज हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं एक्चुअली में, और काफ़ी हद तक एक ये कैजुअल टॉक रहने वाली है। जानेंगे, बात करेंगे कि क्या सारी चीज़ें हैं जो अभी इन्होंने शो जीता उससे रिलेटेड, आगे के इनके प्लान्स क्या रहने वाले हैं, और कई सारी ऐसी बातें हम करेंगे इंडस्ट्री के बारे में। और कोई भी मैं इनसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता हूँ, हालांकि मैंने इनको कोई बताया नहीं क्या मेरे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो सब कुछ इनके लिए तो काफी ज्यादा रॉ रहने वाला है। लवप्रीत भाई सबसे पहले तो कांग्रेट्स आपको बहुत और सर आपको भी बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस जाते हैं, क्योंकि इस चीज के लिए बिकॉज इन्होंने जो अभी करा है ना वो कॉमन नहीं है। अभी क्या है कि पहले प्रो कार्ड लेना आज से 3-4 साल पहले कॉमन नहीं था, तो बहुत बड़ी बात होती थी अपने इंडिया में प्रो कार्ड कोई लेकर के आ रहा है। अब उसमें काफी हद तक हम देख रहे हैं एक सैचुरेशन हिट होता जा रहा है, हर कोई ले लेता है प्रो कार्ड। बट बड़ी बात है कि क्या कोई प्रो कार्ड लेकर के प्रो शो में टॉप रैंकिंग ला पा रहा है, सेकंड थर्ड या इवन फर्स्ट आ पा रहा है, तो वो अभी तक इतना कॉमन नहीं है। आपने अभी करा है, ऐसा नहीं है आपने पहली बार करा है, बट ये इतना कॉमन भी नहीं है। इंडिया में रहने वाले लोग ये नहीं कर पा रहे। हाँ वही बात है, अपना मतलब ऑडियंस समझती है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो किसके मतलब रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। मेन चीज ये आती है भाई कि अभी आप फील कैसा कर रहे हो, ये विक्ट्री जो आप थर्ड प्लेसिंग ताइवान में लेकर के आए हो, क्या इसमें फीलिंग क्या आ रही है आपको, क्या विनर वाली फीलिंग आ रही है? फीलिंग डेफिनेटली, मैं पाजी आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने लास्ट ईयर 2022 में एमेच्योर ओलंपिया ओवरऑल जीता था, उसके बाद मैंने 7th रैंक किया था प्रो शो में, तो जो तब फीलिंग थी पिछले साल वो बहुत मैं ऐसे हाई था कह लो। तो आपने उसी कंपटीशन में प्रो कार्ड लिया था एमेच्योर वाले में, और फिर आपने प्रो शो खेला और उसके बाद आपकी उसमें आ गई 7th रैंक। 7th आ गई, तो ये वाली चीज हमें पता है। हाँ 7th आ गई, और उसके बाद फिर मैं बड़ा खुश था तब ना। उसके बाद फिर जब हमने ये प्रो शो खेला है, मुंबई प्रो शो, भारत प्रो शो, इसमें जब हमारी 5th आई, मैं इक्वली ज्यादा खुश था उसमें, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि प्रो कार्ड जीतने के बाद मैंने प्रो शो किया और 7वीं आई, एक साल बाद पूरा लगा के मैं मेरी 5वीं आई, और बहुत अच्छे हमें जो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमें चाहिए था, वो सारी चीज़ें उस तरीके के साथ हुई। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे थी जो हमने अब फिक्स की, और वो 2 हफ्तों में आपके सामने रिजल्ट है, 5th से 3rd प्लेस की जो है वो हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई, और बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैं सच बताऊं, अपने लोगों में जब हम के सामने परफॉर्म करते हैं, दैट्स टोटली अ डिफरेंट फीलिंग, अच्छी फीलिंग होती है। जब आप बाहर जाके ना, आप अकेले हो, अकेले गए हो, और आप दूसरे लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं और वो चीयर कर रहे हैं आपके लिए, ना कि सिर्फ आपके लिए, आपकी कंट्री के लिए, कि लवप्रीत सिंह फ्रॉम इंडिया ट्रंक नंबर 28, और वो चिरअप कर रहे हैं आगे से ना, तो भाई वो फीलिंग बहुत डिफरेंट है, और तब आपको एहसास होता है कि हाँ आप इंडियन हो। और फिर सच में कहते हुए मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं कि यार सच्ची पाजी, वो फीलिंग ना जो आती है, जो सही बात है। तो ये फील कर रहा था मैं तब भी, और ये फील मैं ये मेडल हाथ में लेके अब भी फील कर रहा हूँ, जबकि मैंने जीता ये हाथ में ही है तब का मेरे। चलो ये बहुत अच्छा, तो अभी आप 7वें आसमान पे एक तरह से। हाँ पूरा, बट पैर ग्राउंडेड होंगे। नहीं हम 14वें 15वें हम तो 15वें पे बैठे हैं एक्चुअली में, 15th फ्लोर पे बैठे हैं। तो आप अकेले गए थे बाहर या फिर आपके साथ में आपके कोच भी गए थे? देखो जी, हमारे ना सिख रिलीजन से बिलोंग करते हैं, फैमिली ही है, तो हमें कह रहे हैं कल्ला नहीं है, 1.25 लाख ही जाएगा जिथे जाएगा। अच्छा, हम 1.25 लाख के गिने नहीं भी, हमें हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि 1.25 लाख से 1 लाख तभी गुरु गोविंद सिंह नाम का हूँ। सो हम अकेले जाते अकेले हैं, स्पिरिट हम 1.25 लाख वाली लेके गए थे। अच्छा, और इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, हम एक हफ्ता मैं पहले यहाँ पे रुका हूँ सर के पास, और मुझे फिजिकली भी ट्रेन किया इन्होंने, उससे कई गुना ज्यादा इन्होंने मुझे मेंटली प्रिपेयर करके भेजा है वहां पे, कि तू वहां पे जा रहा है, कौन सी हार्डशिप्स आ रही है, कहीं मैं नहीं हुआ तो ये हो गया, तो तुझे क्या क्या फिक्स करना है, वो हो गया। अच्छा, और वो चीजें हुई वहां पे जाके, मैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज को भी आपने काउंट करके आप चले हो। अरे पाजी, हमारा जो वर्क एथिक्स है, हमारी जो
स्ट्रेटजीज होती है ना, जो हमारे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, जो स्पेशली हैरी पाजी की, कोई कोच छोड़ो कोई भी इनको टच नहीं कर सकता वहां पे। आज मैं वो आपको बातें बताऊंगा। सच में मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि हमारी टीम बॉस हैरी पाजी के अंडर हमारे सबसे ज्यादा मेडल्स एमेच्योर ओलंपिया में, प्रो क्वालिफायर्स में या प्रो शो में हमें हमारी रैंकिंग आनी क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे रीजन है बहुत बड़े। तो मतलब आप क्या रीजन इसमें रखते हो, क्या एक बड़ा रीजन है या कई सारे मल्टीपल रीजंस, आप वो भी बता सकते हो। सबसे सबसे बड़ा पहला सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जहां से दूसरी टीम्स कोच या एथलीट्स सोचना खत्म करते हैं ना, ये इंसान वहां से सोचना शुरू करते हैं। जिस दिन हम भारत प्रो शो खेले हैं उसको मेरी फिफ्थ प्लेस आई, मैं घर चला गया, पाजी वापस आए फ्लाइट लेके। मेरे ख्याल से उस दिन कंटिन्यूसली इनके मुझे 25-30 कॉल आए होंगे एक दिन में। अच्छा, ऐसा होता नहीं कोई कोच इतने कॉल्स करे, और हर बार कॉल करके, यार लवप्रीत यहाँ पे ये था, थोड़ा पोज यहाँ पे होल्ड नहीं किया, ये एंगल हिट नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे हमने इतना पानी पिया था, हमने यहाँ पे इतना नमक दिया था, हमें इतना लेना चाहिए था। सारा करने के बाद भी रात को पाजी, नेक्स्ट डे की बात बता रहा हूँ, जिस दिन हम रोशो खेल गए उसके नेक्स्ट डे मैं भी घर चला गया था, पाजी भी आ गए। पाजी साहब 3-4 घंटे पाजी ने मेरा सारा पिछला डाटा निकाला। अच्छा। जब से हम प्रेप कर रहे हैं, मतलब 2021-2022 डिफरेंट क्या डिफरेंट रहा उन प्रेप्स में, 2022 में हमारा उन दिनों पे वेट क्या चल रहा था, हमारी उन दिनों पे कंडीशनिंग क्या चल रही थी, हमने उन दिनों पे कितने कार्ब्स खाए थे, कितना हमने नमक लिया था, कितना पानी पिया था, कितना मेरी स्लीपिंग आवर्स थे, कितना मेरा स्ट्रेस था उन दिनों में। अच्छा, अब कितना था, बहुत ही छोटी छोटी बातों में माइनर से माइन्यूट से माइन्यूट हो गया। नहीं यार, अगर अच्छे कोच जो है ना, जितने भी अगर कोई है, मेरी निगाह में हरी पाजी से ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन अगर कोई है तो वो ऐसे ही करते होंगे तभी जाके चैंपियन बनते हैं। और वो इनका किया हुआ वो एनालिसिस, मैं मुझे तो पता नहीं था, फोन पे कह रहे थे तू आएगा तो तेरे को मैं बैठ के बताऊंगा क्या है। जब मैं आया मैंने देखा पाजी ने पिछले पता नहीं कितने रिकॉर्ड निकाल दिए सारे के सारे। अच्छा। कि ये देख यहाँ पे तूने ऐसे पोज हिट किया था, यहाँ पे तूने क्रंच करके एब्स को थोड़ा सा सांस ऐसे ब्लो आउट किया था और उसके बाद तेरा वो निकला था, पॉप किए थे एब्स, वो सारी चीजें मैं देख के हैरान। मैं कहा यार, वो रात को भाजी ने मुझे 3-3 बजे कॉल की थी उस दिन, ठीक है। मैं कहा भाजी सो जाओ यार, प्लीज आप सो क्यों रहे हो, कहते। फिर इनका फिर मुझे फोन काटने के बाद फिर फोन आया एक बार, मुझे लग गया था पता। मैं कहा मेरे से ज्यादा ना एक्चुअली जो चीज मैटर करती है वो इनको करती है, मेरी खुशी के लिए ज्यादा मैटर कर रही है आपकी। हाँ। जीत हार पार्टिसिपेशन में मैं पाजी आपको आज आप बहुत अच्छे टाइम पे, सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच, आप इतने हम, मैं अभी बता दो सबको कि मैं अभी फ्लाई करके अभी उतरा ही हूँ। मैंने अच्छा वो बात नहीं रखी थी। हाँ, बिल्कुल। मैं अभी आ गया रात में, आपको परेशान करने। नहीं, ताइवान से मैं अभी आया ही हूँ, हरी पाजी मुझे लेके आए ही है और ये हम पहला काम कर रहे हैं। आप सब तक मेरा आना भाई के चैनल के थ्रू हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और जरूरी था हमारे लिए ये आना। तो उस दिन मैं बता रहा हूँ आपको, अभी रात को फिर एक घंटे बाद फोन आया भाई का, कहते बात सुन, मैंने सारी चीजें फिगर आउट कर ली है कि हमने क्या करना है। कहते तूने 1% किसी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना नेक्स्ट शो के लिए, तू अगले दिन ही आ मेरे पास, कल सुबह बस पकड़, ट्रेन पकड़, कैब पकड़, टैक्सी पकड़, जो मर्जी कर, जल्दी मेरे पास आके यहाँ रुक, अपना आराम से तैयारी कर, यहाँ पे मील तेरे को बने बनाए, मैं सब सारे अरेंजमेंट हैं, सब कुछ है। और सही बात हुई कि मैं जैसे यहाँ पे आया हूँ भाजी, आज जो हो और कल को और अगले दिन कुछ और इम्प्रूव होता होता फिजिकली और मेंटली। जिन लोगों ने मेरा YouTube फॉलो किया हुआ है, जो मुझे देख रहे हैं और मुझे लगातार उस पर ये कमेंट्स आ रहे हैं कि इतनी पॉजिटिविटी या इतना जो पॉजिटिव माइंडसेट का, वो क्या सीक्रेट है, ही इज द सीक्रेट। तो सर एक बार बताइए, जैसे इन्होंने अभी ये सारी बातें बताई, छोटी छोटी बातों पे आपके कितना आप एब्स को कितना स्क्वीज कर रहे हो, कितना आप सांस ले रहे हो, ये सब बातें आप मतलब करते हो, इस तरीके से आपकी अप्रोच रहती है एक एथलीट के लिए या सिर्फ इनके लिए स्पेशली ऐसे रहती है? इतनी छोटी छोटी चीजें, ये तो बहुत ज्यादा छोटी बातें हो गई। देखो इसमें देयर इज नो डिनाइंग, आई थिंक ये सारा
दिखता भी है, कहने की जरूरत भी नहीं कि मतलब कि जो मेरा बॉन्ड लवप्रीत के साथ है वो डेफिनेटली मेरे किसी और एथलीट के साथ भी नहीं है. ओके राइट. आपको एंड दिस इज ह्यूमन नेचर. ठीक है, कोई मेरे साथ एथलीट इतनी देर से जुड़ा भी नहीं हुआ, मतलब कि है. कितने साल हो गए आप दोनों को काम करते? 6-7 साल हो गए. अच्छा, लंबा टाइम हो गया. 17 से हम लगे हुए हैं. ठीक है. दूसरी चीज पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि लवप्रीत की खासियत क्या है. जितने भी मेरे एथलीट्स हैं ना, सारे सुन भी रहे होंगे, उसमें से 99% एथलीट्स को ना एट सम पॉइंट, यानी बाकी कोचेस भी मेरे साथ रिलेट करेंगे, एट सम पॉइंट इन टाइम ना कि यू हैव टू चेज द एथलीट. भाई चेक इन भेज दो, भाई ये है, भाई वो है, यू नो, आपको एफर्ट डाल रही है, आगे से एथलीट वो एफर्ट नहीं डाल रहा. ठीक है, बहुत सारे एथलीट्स को मैं ये कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोच आपके लिए जान दे, प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड आप अपने कोच को उसका ड्यू ही दे दो. मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको पलकों में बिठाओ, जैसे ये कह रहा है, ड्यू इन द सेंस कि हमारे एथलीट्स में ये बहुत शॉर्ट कमिंग है. उनको लगता है कि मैं अपने कोच का नाम ले दूंगा तो मेरी कोचिंग शायद खराब हो जाएगी, या मेरी मतलब कि मेरी प्रिपरेशन में मुझे कोई छोटा समझेगा कि यार तुम किसी की मदद ले रहे हो. ठीक है, या हमारे लोगों में ये है कि यार ये तो हानि रैम्बर्ड तो है नहीं, या हानि रैम्बर्ड हो या कोई ओवरसीज का कोच हो तो उसको मैं अटैक करूँ. हमारे जितने इंडियन एथलीट्स हैं जिनके ओवरसीज कोचेस हैं, राइट, उन्होंने अपनी प्रोफाइल्स में डाल रखा है ये मेरा कुवैत का है, ये फलाना टीम का है. ठीक है, उनको आप दे रहे हो महत्वता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने इंडियन कोचेस को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो? ठीक है ना, उनको भी वो रिकग्निशन दो. यार देखिए, मैं आपको 1,00,000 रुपया दूं, ठीक है, अगर मैं आपसे तमीज से बात नहीं करूंगा, बोलेगा तो अपना 1,00,000 रुपया अपने पास रख. ठीक है, अगर मैं आपसे प्यार से बात करूंगा ना, आप फ्री में भी मेरा काम करोगे, मैं फ्री में भी आपके लिए काम करूंगा. राइट, थोड़े प्यार के दो मीठे बोल बोलना. सो ये हमारे एथलीट्स में बहुत शॉर्ट कमिंग्स है, डरते डरते स्टोरी में टैग करेंगे, डरते डरते नाम लेंगे. अच्छा. मतलब कि यार मेरा बताना मत यार कि मैं आपसे कोचिंग ले रहा हूँ. बट आपको ये लगता है कि ज्यादातर एथलीट्स ऐसे ही हैं इंडस्ट्री में जो कोचेस को उतना ज्यादा नहीं देते उतना क्रेडिट? 90% एथलीट्स बहुत बेयर मिनिमम करते हैं. अच्छा. आउट ऑफ द वे जाके नहीं कोई कर रहा यार हाँ मेरा कोच ये है. जब तक आप वो नहीं करोगे ना, तो इसके लिए तो चलो मैंने एक्स्ट्रा किया, कोई इसमें दो राय नहीं. बाकी जहां पे मेरी एज है, अगर हम देखें, हम किसी भी बड़े शोज में जाते हैं तो हमारे एथलीट्स हमेशा टीम बॉस के जीतते हैं. ठीक है, लोगों को लगता है कि यार तुम बताओ तुम नंबर वन अपने कहते रहते हो. ये कई बार पहले भी सवाल के उठ चुका है. सर नंबर वन हम इसलिए कहते हैं कि बिकॉज हमारे रिजल्ट्स बोलते हैं, हमारे एथलीट्स जीतते हैं. मेरे साथ इस बार भी जैसे इशू है, रवि है और इतने बड़े सीनियर एथलीट्स हैं, और भी बड़े एथलीट जिनके मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो ऑफ द रिकॉर्ड कोचिंग लेते हैं कि सर बताना मत, एथलीट किसी और कोच के हैं, कोचिंग मेरे से ले रहे हैं. अच्छा, ऐसा है? ये ऐसे हैं यार, मतलब कि सीनियर एथलीट पॉपुलर एथलीट्स हैं, बताएंगे नहीं. सो होता क्या है कि आई एम वेरी मिटिक्यूलस. जिस लेवल की नॉलेज मैं पोजेस करता हूँ, ठीक है, इस स्पोर्ट के बारे में, आई डोंट थिंक सो, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दिस, नो अदर कोच इन द कंट्री comes even close. Okay. No, बहुत coaches होंगे जो मेरे से बेहतर conditioning ले आएंगे, बहुत अच्छी बेहतर तैयारी भी शायद करा पाएंगे. अच्छा. Sure. आप फिर किस वे में कह रहे हैं कि आप औरों से बहुत ऊपर हैं? Understanding the minute details कि कहाँ ये लड़का पैर रख रहा है. सही बात है ये. कहाँ ये पोज गलत हिट कर रहा है. कहाँ पे इसका इस्तेमाल दिमाग कहाँ पर इसका. अच्छा. इसको क्या कहना है इस टाइम पे. कौन सा शो खिलाना है. कौन सा शो ने अभी मैंने इस शो में एक और एथलीट भेजना, मैंने उसको नहीं भेजा. मुझे पता था 100% उसकी प्लेस नहीं पड़ेगी, जितना मर्जी अच्छा हो मैंने उसको नहीं खिलाया. शो को पिक करना, कौन सी वेट क्लास में खेलना है, राइट. फिर उसके बाद ये एनालाइज करना कि प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करनी है. अभी मेरे पास एक लड़का आया था जिसके अभी एमेच्योर ओलंपिया में वो 4th आया था क्लासिक फिजिक में, पॉपुलर एथलीट है वो. शुरू की उसने कुछ उसको मैंने बताया कहता सर मैंने जून खेला. मैं कहा मैं आपको मार्च में आपको मैं ऑब्जेक्टिवली ब्लैक एंड व्हाइट आपको बता सकता हूं कि आप जून में बेहतर पैकेज लेके जा सकते कि नहीं लेके जा सकते. कैसे मेजर करना है ये नहीं मैं बताऊंगा. अच्छा. कि कैसे मैं बता सकता हूँ गारंटीड 3 महीने पहले कि अभी हमने कटिंग शुरू करनी कि नहीं करनी कि अभी आगे जाएंगे. मुझे 100% पता है
इसकी फिजिक पे हमने क्या कहां पे कमी है, हम यहां से यहां पे आ गए ना। ओलंपिया क्वालिफाई करना इज नॉट आवर अल्टीमेट गोल इज टू गेट टू द ओलंपिया एंड प्लेस वेल। ओके, तो ये आपने थोड़ी अलग बात करी है, बिकॉज ओलंपिया क्वालिफाई करने पे ज्यादातर लोग बात करते हैं, उनका गोल उससे आगे का तो वो नहीं होता, उतना नहीं सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, like, सोचते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि हर कोई इस तरीके से है, ऐसा नहीं है कि, बट मैक्सिमम यही अप्रोच है। अब जैसे इसकी फिजिक है, मुझे 110% क्लैरिटी है बिल्कुल कि कहां पे इसकी कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पे हमने क्या क्या काम करना है, कैसे हमने, देखो हमने थोड़ा आप इसमें डिटेल में जा सकते हैं इस चीज में। श्योर, एब्सोल्युटली, हमें पता है कि हमने इसकी अपर चेस्ट पे फोकस करना है, वी हैव टू ब्रिंग हिज अपर चेस्ट, ठीक है, वी हैव टू वर्क मोर ऑन हिज रियर डेल्ट्स, little bit more on the front delt, side delt is good, we need to work little bit more on the side delt also, rear delt pe kaam karna hai, theek hai, back ke jo bhi feedback hume aata hai na, judges se, YouTube se bhi, judges se lete hain aap? Of course, okay, wo to hamare number one, abhi Taiwan mein aapne baat kari kisi judge se? Haan, mujhe unka khud aaya message, to I can show you his message, तो वो कह रहे थे मुझे कि you displayed a very good package और posing की बहुत तारीफ की उन्होंने, मैंने आपको बताया नहीं, अभी बात नहीं है हमारी, तो posing का बहुत कहते, you presented yourself very well, अच्छा, you were looking amazing on stage, तो कहते for now take some rest and have some good food, और उसके बाद कहते show खेलो, और तो उसके बारे में फिर, and एक चीज मैं और highlight करना चाहूँगा, this is probably hopefully for the benefit of all other athletes and coaches, you know, जिनको मानना वो मानेंगे, जिनको नहीं मानना उनको मानेंगे। People have to realize कि जो men's physique, जो आज से छोड़ो 3-4 साल पहले, तो बहुत पुरानी बात है, जो आज से 6 महीने पहले men's physique थी, वो change हो चुकी है। Correctly. जो 1 साल पहले थी वो change हो चुकी है। Correct. जो 3 साल पुराने वाले बंदे pros बने हैं, 4 साल वाले, वो आज टॉप 5 में भी नहीं आएंगे कई जगह पे, ठीक है, टॉप 5 में मतलब pro show में। जैसे अब जेरेमी बोइंडिया को ले लो आप, बात हो रही थी मेरी से, बात हो रही थी, मैंने पोस्ट भी डाली थी जिसपे मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेंस फिजिक में कैसे चेंज हो गया। द गेम इज नाउ, सबसे पहले आपकी हाइट, हाइट इज द नंबर वन थिंग, तभी आप देखोगे कभी भी आज तक कभी क्लास ए का कोई भी बंदा प्रो नहीं बन पाया। अभी क्या है, मेंस फिजिक में सबसे पहले आपको चाहिए हाइट, हाइट मींस 5'8", 5'9" एंड अबव, ठीक है, अप टू 6'1", 6'2" तक वो, ठीक है, फिर है स्ट्रक्चर, करेक्ट, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर के बाद नंबर 3 आपका बैलेंस, स्ट्रक्चर इज वन थिंग, बैलेंस इज अनदर थिंग, बहुत लोगों को यही नहीं डिफरेंस के स्ट्रक्चर एंड बैलेंस में डिफरेंस क्या है, हाइट, स्ट्रक्चर, बैलेंस, देन राइट मसल मास, नॉट टू बिग, नॉट टू स्मॉल, नॉट टू स्मॉल, एंड जो बहुत मतलब कि हम कहते रहते हैं ना, विच वॉज ऑल द हाइप अंटिल 6 months, 8 months, a year ago, कंडीशनिंग, कंडीशनिंग, श्रेडेड, nobody gives a shit about conditioning and shredded, shredded anymore, अगर आपके पहले 4 नहीं है, श्रेडेड एंड कंडीशनिंग कहां पे मैटर करेगी, जब आपके आप स्ट्रक्चर, बैलेंस, साइज, पोजिंग, इन सब में आप अगर नेक टू नेक हो, फिर आपकी कंडीशनिंग की बात आएगी, वहां तक तो बात ही नहीं पहुंचती है। सो दिस ऑब्सेशन दैट वी हैव, ये तो हो गया, कंडीशनिंग वाली बात अब थोड़ी साइड ही हो गई है, मेन ये 4 पैरामीटर्स काफी सबसे पहले देखे जाते हैं। आपका इनकी बॉडी के बारे में क्या ख्याल है, आप क्या देखते हो इनकी फिजिक में सबसे ज्यादा, जो यूएसपी है इनकी बॉडी की, स्ट्रक्चर इज अनबिलीवेबल। आप देखो ना, मतलब कि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर का कहां से पता चलता है, चलो फ्रंट तो आप मतलब कि आप कर सकते हो पोजिंग करके, यू कैन हाइड इट, ठीक है, वे यू कैन नॉट हाइड एंड यू कांट डू एनीथिंग विद द स्ट्रक्चर इन द बैक शॉट। अब आप अली भी ले लो, अली की मिड सेक्शन इज वेरी ब्रॉड, पीपल डोंट अप्रिशिएट कि वो कितना चौड़ा है मिड सेक्शन, तभी तो वो एक एंगल पे खड़े होते हैं। He and he knows how to pose. Correct. But when he turns to the back, तो where he lost from the back. They turned Ali की back इतनी चौड़ी है, उसकी इतनी थी। So Lovepreet की edge, his structure is unbeatable. You make him turn to the back, there is no other pro in the country at this stage पे कि जिसकी lower back
to his upper back. हाँ, do we need more width on his back? Do we need more thickness? Yes, we do. मैं सबसे पहले कहूँगा मैं और width चाहिए, और thickness चाहिए. But we are not going to compromise. मेरी कल एक बहुत ही senior बंदे से IBB के बहुत ही senior बंदे से बात हो रही थी. उसने मुझे यही feedback देगा. जो मर्जी कर लेना, लेकिन don't destroy his waist. अली कैसे जीतता है शो? उसके उसका USP क्या है? USP फ्रंट भी मान लिया. फ्रंट में भी उस हिज USP इज दैट जो ऑब्लिक्स आते हैं ऐसे करके, वो ही हैज दैट. सो व्हेन यू लुक एट हिज स्ट्रक्चर, ही इज एंड मसल बेलीज एंड एट पैक है, सारे एब्स सिमेट्रिकल हैं, ऑब्लिक्स हैं, राइट, स्माइल, जो हम चीजें हम जो मतलब के प्रेजेंटेशन की भी हम जो बात करते हैं, नहीं बहुत वो चीज मैंने भी नोटिस करी कि स्माइल करते हैं और वो काफी काफी दिखती है अलग से. प्रो अपना मुंबई शो में देखना. हाँ हाँ भाई, पूरा कंपैरिजन वीडियो बन सकता है और आपको इतना मेजर डिफरेंस दिखेगा ना स्माइल के अंदर. स्माइल, पोजिंग, एवरीथिंग. मैं खड़ा कैसे हूं, मेरा फीट स्टांस क्या है. हाँ. हमने इस पे इतना काम किया है ना. इसी घर में पाजी ने मुझे बुला के, मेरा रूम वो लास्ट में है, मुझे अलग से रूम दिया हुआ है. मैंने सुबह उठना, मैंने पाजी को कॉल किया, मैंने पाजी गुड मॉर्निंग, उठ गया हूँ, एक मिनट आना बाथरूम. सीधा बाथरूम में पाजी, और बाथरूम में आके सबसे पहला काम मैं चेक इन देता था लाइव पाजी को, और सामने शीशा होता था, हम वीडियो बनाते थे. फिर हमने हर एक एंगल से वो पोज हिट करके देखा है. और पाजी इतने इतने माइनर माइनर चेंजेस ने इतनी बड़ी चीज पेश कर दी ना सामने लाके, कि मेन हेड जज आपको बोल रहा है यू प्रेजेंटेड योरसेल्फ वेरी वेल. इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है मेरे. सही बात है. और वो चीज पाजी ने पकड़ी, बिकॉज इनका ये है, मैं आपको बता दूं, ये कोच हैं, उसके साथ साथ ये मत भूलो कि ये इंडिया के सबसे बड़े शोज में जज भी बैठते हैं एज अ हेड जज. तो इनका प्रस्पेक्टिव उस लेवल से देखा जाए, इनको ये एक एज देता है कि कोच प्लस जज, ये जज की निगाह से मुझे देखते हैं. ये कभी भी उसमें बायस नहीं होते. मुझे कई बार लगता है ऐसे, ही लव्स मी सो मच, पर फिर मुझे कहीं लगता है मैं यार कहीं पाजी बायस तो नहीं हो रहे. पर नहीं, हमारी दो तीन चीजें ना बड़ी क्लियर सी है, मुझे बताई हुई है पाजी ने, कि हमने कहते 10 या 15 शोज खेलने हैं प्रो शोज. अगर उसमें तू टॉप 5 क्रैक नहीं कर रहा है तो हम नहीं करेंगे आगे कंटिन्यू. ये मुझे 2 साल पहले पाजी ने चीज बोल दी थी कि आने वाले 1-2 साल में अगर हम एटलीस्ट प्रो कार्ड तक नहीं पहुंचे तो तू नहीं करेगा गेम. सो इनके इनके जो बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हैं ना वो, ये मेरे पे इतना वो उम्मीदें या मेरे पे इतना काम इसलिए कर रहे हैं, शायद इनको लगता है कि मेरे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और वो मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता हूँ. आपको अपने बारे में क्या लगता है दूसरे इंडियन एथलीट्स, मेंस फिजिक एथलीट्स से अगर आप खुद को कंपेयर करते हो तो? पाजी मेरा कंपैरिजन मेरे खुद से है, मैं सच्ची कह रहा हूँ. मेरा कंपैरिजन मैं किसी को नहीं मानता. अच्छा. मैं किसी को नहीं मानता अपना कंपैरिजन, विदाउट एनी वो डिसरिस्पेक्ट एंड ईगो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई लव ऑल ऑफ माई फेलो इंडियन एथलीट्स, बट मेरा माइंडसेट कुछ और है. दे कैन नॉट डिफीट मी देयर, यहाँ नहीं कर सकते हो मुझे. इस साल मेरा इमोशनली और मेरा मेंटल डैमेज बहुत ज्यादा, मेंटल हेल्थ डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है, एंड बिग थैंक्स टू हिम. कुछ आप इसके बारे में बता सकते हो? मैं बिल्कुल, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा आपको. पाजी आपको पैनिक अटैक आ रहा है, आपके हाथ कांप रहे हैं, आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, आपका बीपी रेज हुआ है, किसी को सजेशन नहीं करता ये काम करो, तब आप रिलैक्स करो. और तब आपके सामने 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल वेट पड़ा हुआ है, आप उठाने जा रहे हो वो, और आपकी हालत ये है. प्रेप के कारण, कोई और मेंटल स्ट्रेस? मेंटल स्ट्रेस के कारण. यस, कोई फॉर माय पर्सनल रीजन, मेरे पर्सनल लाइफ के, जिनकी वजह से मैं बहुत डार्क डाउन डिप्रेशन में था. ओके. तो मैंने वो चीज, ये वाहेगुरु का शुक्र है, परमात्मा का शुक्र है कि एक ये चीज उस मेरी यूएसपी ये है बस, जो वाहेगुरु. तो सबसे वर्स्ट टाइम में भी ऐसा परफॉर्म कर रहे हो? हाँ, मुझे उसने कभी भी गिव अप नहीं करने दिया. ये चीज नहीं मेरे में है, ये सच में नहीं है. बाकी मैं, हाँ मैं भी रोता हूँ, मैं इनको फोन करके रो लेता हूँ, या मैं अपनी फैमिली के सामने कर लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ. पर जब काम करने की बारी, ये पता नहीं कैसे भगवान मेरे से करवा लेता है, मुझे भी नहीं पता है कि मैं कैसे कर पाता हूँ, लेकिन वो हो जाता है मेरे से. इसी वजह से आप देख सकते हो कि पिछले साल हम ऑन स्टेज 80 kg थे, इस बार हम 87-88 kg हिट कर रहे हैं ऑन स्टेज, 8-9 किलो मसल मास ऊपर लेके आ रहे हैं. तो वो काम हुआ है, और इस मेंटल स्टेज में हुआ है वो काम, वो देखें आप. सही बात है, जब आप वर्स्ट टाइम पे इस तरीके से कर रहे हो, वर्क एथिक आपका ये, तो वही मतलब आपको एज अ पर्सन जस्टिफाई करता है, आपको एक आपका कैरेक्टर उससे पता लगता है. जी.
कि आप वहां पर भी नहीं टूट रहे हो जी। अब जैसे आपने अभी बताया कि 88 केजी इस बार, ठीक है, तो अभी आपका क्या एम है? पहले तो आप ये बताओ कि नेक्स्ट शो आपका कौन सा रहेगा, या फिर उससे बड़ी प्रायोरिटी आपके लिए है कि अब आप इम्प्रूवमेंट पे जाओगे और फिर अपना वेट बढ़ा करके फिर शो खेलोगे? तो हमारा फुली स्ट्रेटजिक रहेगा, जैसे भाजी ने आपको बताया कि हम बिना स्ट्रेटजी के कोई भी अपना मूव नहीं आगे करते, ठीक है। तो हम अभी बैठ के, पहले अभी हम आए हैं, एक दो दिन थोड़े सेलिब्रेशन के निकाल लें, ये विक्ट्री को मनाएं और ये देश को भी, हमारे जो सपोर्ट करते हैं उनको भी ये सेलिब्रेट करने दें। उसके बाद वेरी सून हमारा ये नए साल का IFBB प्रो कैलेंडर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, हरिपा जी बताएंगे मुझे कि हमें कौन सा शो पिक करना है। तो यही स्ट्रेटेजी है सर इनकी, इनको लेकर के आपकी, मतलब कि बेसिक ना, बाकी उसके बाद फिर जब शोज आते हैं फिर उसको मैं... चलो शोज तो जब आएंगे तब आएंगे, बट आपका अगले साल के लिए क्या प्लान है? प्लान बड़ा सिंपल है विरल, देखो अभी शोज आएंगे, हम शोज को स्टडी करते हैं कौन सा शो हो रहा है, उसमें चार पांच चीजें हम और देखते हैं जो मैं नहीं शेयर करना चाहूंगा, कि कोई भी शो होता है जब उसमें डिसाइड करने से पहले हम देखते हैं। हम जापान शो भी खेल सकते थे, हमने नहीं खेला, हमने स्पेसिफिक रीजन से नहीं खेला, okay. वो मैं शेयर नहीं करूंगा। और जापान से टफ लाइनअप था यहाँ, नथिंग अगेंस्ट द जापान शो, यू नो, बट वो आपके अपने कुछ रीजन है जो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, ठीक है। हमारा गोल यह है कि हम कोशिश करेंगे कि बाय मार्च अप्रैल, यू नो, वी शुड ट्राई टू गेट द ओलंपिया क्वालिफिकेशन। कोशिश हमारी ये है कि हम अप्रैल तक ओलंपिया क्वालिफिकेशन लें, ओके, ठीक है। इसमें मैं एक चीज मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि लोगों को प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि व्हेन वी से कि वी आर नंबर वन एंड वी चेजिंग दिस, वी आर नॉट पुटिंग एनीबॉडी एल्स डाउन। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यार हम ही सिर्फ अकेले लेंगे और कोई इंडिया से नहीं ले सकता। आप अपने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहे, दैट्स द डिफरेंस, ना? अच्छा, जैसे अभी आप बाहर गए खेलने के लिए, तो फर्स्ट टाइम ही था आपका इंडिया से बाहर, या अमेच्योर शो खेलने भी आप कभी बाहर गए थे? अमेच्योर शो खेलने गया था मैं 2021 में, बहुत बुरा हारे थे वहां पे हम, अच्छा, थाईलैंड में, उससे सीखा था, लेकिन उससे सीखा था, हारे थे और उससे जो सीखा था ना भाई साहब हमने, वो ऐसे दिन थे अकेले हैरी भाजी और मेरे में, थोड़ा सा मुझे ये यार हो नहीं पा रहा है। 2020 में हमने गोल्ड जीता था जब चंडीगढ़ में, जब अफरोज प्रो बना था, अच्छा, तब मैं मेरी और अफरोज खान की दोनों की फाइट थी, ओके। उसके बाद बड़ी ज्यादा उम्मीदें थी हमारे, हमारा पैकेज भी बहुत अच्छा था 21 में मुंबई वाले एमेच्योर ओलंपिया में, हम पहले वो हारे। उसके बाद 22 अप्रैल में था थाईलैंड में एमेच्योर प्रो वो उनका, तो हम फिर वो भी हारे, तो मुझे थोड़ा, मैं कहा मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, पर हैरी भाजी को जब ये चीजें होती है ना, तब उनको वो चीजें ट्रिगर करती हैं फिर, कि हाँ क्या बंदा नहीं होता कि यार है क्या चीज जो हमसे नहीं हो पा रही। फिर इन्होंने फिर वही चीज जो वो डिटेल्ड एनालाइज किया हर एक चीजों को, कि यहाँ पे ये पोजिंग, डाइट, वर्कआउट हमारे कैसे होने चाहिए, हमारा स्ट्रेस, सबसे बड़ा रीजन तब स्ट्रेस था, अच्छा, कि स्ट्रेस ने खत्म कर दिया था। और उसके बाद जब पहली बार हम बाहर गए थे, तो मुझे ये भी एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे, मैंने होटल ही किया था, मैंने अपार्टमेंट नहीं किया था, जो अब एथलीट्स गलतियां कर रहे हैं आजकल, तो फिर वो सारी चीजें सीखी हमने, वो सीख के वो एक्सपीरियंस ऐसा लिया, जितनी गलतियां हमने वहां पे की थी ना, हमने मुंबई में एक भी रिपीट नहीं की। रिजल्ट आपके सामने, मुंबई परफॉर्मेंस इज समथिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ, वी आर वेरी प्राउड, बिकॉज हमने इस बार जो हमने मुंबई खेला, we got rushed, we missed time things, the last one hour we mistimed it। हमारा टू ये भारत प्रो शो में और इसमें हमने कौन सी गलतियां की, कौन सी हमने इंप्रूवमेंट की, ये बता दो। चलो मेरा काम आसान कर दिया आपने, थैंक यू। 50 चीजें होंगी, हमने मतलब के सारा, अच्छा, सारा रीवैम्प किया, जैसे मतलब क्या था, जब हम मुंबई खेल के आए, मैं आते ही बैठ गया, मैंने सारे वीडियो निकाले यूट्यूब से, मैंने, आप इमेजिन नहीं कर सकते, माइक्रो सेकंड तक मैंने इसको, जो मैं बताऊंगा नहीं, बिकॉज देन दोज आर ट्रेड सीक्रेट्स, लेकिन मैंने माइक्रो सेकंड से वो ब्रेक डाउन किया है। जितना मुझे जुनून है, मेरे से ज्यादा जुनूनी बंदा नहीं है कोई इस स्पोर्ट में, गेम में, सही बात, मुझे बहुत कीड़ा है, लाइक कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी, मतलब कि मैं बाल की खाल उधेड़ देता हूँ, लाइक लिटरली, अब माइक्रो माइक्रो सेकंड में चीजें, मतलब कि लाइन पे भी ना, कि जैसे ये लाइन है, हमने देखना है कि ये हमने अपना लेफ्ट पैर लाइन पे रखना है, राइट हमें लाइन के पीछे रखना है कि आगे रखना है, जैसे मतलब कि बहुत एथलीट गलतियां करते हैं, आप जब राइट साइड पे खड़े हो जजेस सामने, तो आपको अपना हाथ अपने राइट पे होना चाहिए, आप लेफ्ट पे खड़े हो तो आपका हाथ अपने लेफ्ट पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी एथलीट के अगेंस्ट जा रहे हो, आपको पता है
कि आपका मिड सेक्शन उससे स्ट्रॉन्ग है एंड वो लेफ्ट से खड़ा ऐसे पोज कर रहा है, अगर आप भी ऐसे कर रहे हो लेफ्ट से, दे कांट कंपेयर डायरेक्टली, यू शुड स्विच एंड गो राइट एंड गो टो टू टो विद हिम. सो ये सारी चीजें जैसे क्लासिक में भी, अब जैसे चैतन्या की है, चैतन्या को ये पोज हिट नहीं करना था बैक में, आप उसको कभी भी नेक्स्ट शो में ये पोज नहीं हिट करते देखोगे. अच्छा, वो ये करता है ना, ये करके ये करता है, यू विल नेवर सी हिम डू दिस एंड देन हिटिंग बैक द वे, बिकॉज उसको ये पोज हिट नहीं करना था. वो तब हिट करेगा जब या तो वो मास्टर कर लेगा, नहीं तो यू विल नॉट सी हिम डू दिस. आई एम अमेज्ड एट द फैक्ट कि हाउ कैन यू नॉट नो. मुझे किसी जज का फीडबैक भी नहीं चाहिए यार, पता है मुझे कि मेरे क्लिप्स में क्या कमियां हैं, मुझे इसकी कमियां पता है, मुझे इशू की कमियां पता है, रवि की कमी पता है. तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जजिंग करते हो खुद से, इसलिए आपके ये जो चीजें हैं इतना ज्यादा इंप्रूव हुई है. सर मुझे कीड़ा है, मैं जुनूनी हूं. जितने बंदे थ्री एक एक टैन एक एक चीज हर चीज बैक स्टेज पे मैं जो कंट्रोल मैं करूंगा अपने एथलीट के लिए, मैं सोऊंगा नहीं 24 घंटे 36 घंटे कुछ भी हो जाए. मैं इसको इसका मुझे फोन आया था संडे को, उसका शो था मुंबई में, मैं 12 बजे रात को उसको मिलने गया ऑटो पकड़ के, एंड मुझे नॉलेज भी है एंड मैं आई फील मैं प्राउड फील करता हूँ यार, मेहनत की है. लोग मुझे हेट क्यों करते हैं, बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर. लोगों को लगता है यार ये तो कभी स्टेज पर नहीं चढ़ा, सूट पहन के आ गया, अंग्रेजी छाड़ते, ये कहाँ से कोच बन गया, ये कहाँ से बन गया. That's their problem, not my problem. You know, आप मेरे एथलीट से पूछो कि मैं उनके लिए क्या करने के लिए तैयार हूँ. मेरे एथलीट मुझे इतना देता ना, मैं इतना दूंगा उसको. चीजें है ना, तो आपको ये लगता है जितना ज्यादा आप सीरियस हो या पैशनेट और इतना माइनर चीजें देखते हो, तो ये कभी कभार एथलीट इसी चीज से परेशान हो जाता हो शायद आपसे कि भाई इतना मैं नहीं कर सकता आपके साथ कोप अप. मैं आपको देता जैसे आपने बोला ना एक टाइम स्पेस, आपने एक टाइम पे नहीं 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 वो ये अच्छा अच्छा वो अलग रीजन. मैं ये बताता हूँ भाजी, जब ना ऐसे माइंडसेट का कोच और ऐसे माइंड इक्वली माइंडसेट का एथलीट इकट्ठे काम करेंगे, तब जाके आप वो प्लेसिंग या वो रिजल्ट्स दे सकते हो. करेक्ट है, सही बात तो है. तो वैसा इस तरफ से उतनी फोर्सफुल एनर्जी आ रही है, किसी चीज में इनपुट डल रही है, आगे से सर मैं भूल गया, मैंने मील नहीं खाया, मैंने सर आज ये मैंने चीट मील कर लिया, मैंने आज दो बर्गर खा लिए, तो कभी भी नहीं होगा. फिर इनका भी इंटरेस्ट ठीक है जी कम होता जाएगा, लेकिन आगे से ये कह रहे हैं कि मुझे मैं कि तूने ये कहना, मैं पाजी ठीक है ये आपने कह दिया 100 बार सांस ले लिया तो 100 बार ही लूंगा, 101 बार नहीं लूंगा. बंदे ने एक चेक इन नहीं कभी मिस किया, नेवर मिस्ड वन चेक इन. जब मैंने से डेली भी मांगा ना डेली चेक इन, यहाँ पे मैं फील के मैं तो पाजी चेक इन भेजो भाई, फोटो भेजो सर भेजता हूँ जी भेजो. नहीं बन सकते, तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं चैंपियन वाला. वो चाहिए, वो चाहिए, वो जरूरी. ये फर्क है ना, बहुत आसान है कि हाँ जी मैं मेहनत करेंगे, नहीं करते हैं. तुम मैंने इसको क्या बोला था जब मैंने आपको क्या बोला था कल परसों की डाइनिंग में, मैं क्या बोल रहा था, दो दिन कहते दो दिन है आपके पास, परसों से हम वी विल बी बैक ऑन डाइट. मैं कहा पाजी आपने परसों से बोला मैं कल ही नहीं खाऊंगा, आपने जो कह दिया ठीक है. वी आर हियर टू नॉट ओनली गेट टू द, वी आर हियर टू द टॉप 6. बिल्कुल,